हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सिंपल मॉस स्टिक होता है उसको आप DIY घर में ही कैसे तैयार करें। आज हम उसका सारा प्रोसेस देखेंगे और सबसे इजीएस्ट मॉस स्टिक बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉस स्टिक बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले एक स्टिक की ज़रूरत है। आपके जो भी पॉट है उसके हिसाब से आपको कितना बड़ा स्टिक चाहिए। और देखिए, ये पॉट इतना ही है तो इसके लिए ये स्टिक काफ़ी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका आधा भाग तो मिट्टी के अंदर जाएगा और आधा मॉस स्टिक के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक स्टिक, और ये जो भी ऐसे जाली होती है जो हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप ख़रीद सकते हो। जो भी ऐसे जाली होती है उसको ऐसे खोल लीजिए, अच्छे से खोल लीजिए। अगर दोनों साइड से अगर खुला है तो उसको एक साइड से गांठ भी दे सकते हो। और उसके बाद हमको चाहिए ये जो मॉस, अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल ये नारियल का जो फाइबर होता है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है मनी प्लांट, उनके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, उनके अंदर एरियल रूट्स डेवलप होते हैं, तो उनको मॉइस्चर, और जैसे कि मनी प्लांट को देखिए फ्रेंड्स, उसके एरियल रूट्स रहते हैं, तो वो एरियल रूट्स ये क्या करता है, मॉस स्टिक के अंदर जो भी रहता है, जो ये कोकोनट है, ये पानी को अच्छे तरीके से रिटेन करता है। तो ये पानी को अच्छे से रिटेन भी करेगा, और ये जो आपके एरियल रूट्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी जो नारियल के फाइबर्स होते हैं, जो आपको कहीं भी कोकोनट शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनको ऐसे ही लेके उनको अच्छे से कट करके देखिए, अगर आपको इससे भी छोटे पीसेस में कट हो सकता है तो आप इसको भी और छोटा पीस कर सकते हो। मेरे से यही लास्ट हो रहा था। तो सबसे पहले क्या करिए फ्रेंड्स, ये जो स्टिक होती है उसके अंदर एक एंड आपका बंद होना चाहिए जो कि इधर होगा, और जो दूसरा खुला होगा वो इधर होगा, और आप जो भी डालोगे आपको इसको इसके अंदर भरना है। अभी मैं आपको भर के दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जो फाइबर थे नारियल के, कोकोनट के फाइबर, इन सभी में भर दिया है। आप चाहे तो इनको और बारीक पीस फॉर्म में भी करके इनको आप डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंगल जाली थी देखिए फट भी सकती है, उस वजह से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखिए और एक जाली को इसके ऊपर और एक डाल देता हूँ, तो क्या है अच्छे से कवर रहेगा, एक भी इसका फाइबर बाहर ऐसे देखिए ऐसे नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फिर से और एक जाली से कवर कर दिया। अभी ये पूरी तरीके से देखिए सिक्योर्ड है, अभी इसको कोई भी ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, पॉट साइज के हिसाब से मैंने इसको किया था। अब देखिए इस पॉट के अंदर ये मिट्टी इतना हो जाएगा, और बाकी का देखिए ये हमारा मॉस स्टिक तैयार है। तो अभी इसमें मैं क्या प्लांट्स लगाऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ये मॉस स्टिक बनाने का आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो और मेरे जो चैनल के प्रोग्रेस है वो आपको कैसे लग रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।